रीवा पुलिस ने 3 साल बाद डबल मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन पूरे मामले को लेकर कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और पूरी घटना के संबंध में जानकारी दी है। आरोपी साक्ष्य छिपाने के लिए पति पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद शवों को भूसे में छिपा दिया था और घर से सोने चांदी के जेवर नकदी लेकर फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। घटना मऊगंज थाना क्षेत्र के चक्रभाटी गांव में घटित हुई थी। आरोपी ने राम मिलन मिश्रा पिता रामावतार मिश्रा उम्र 95 वर्ष एवं उनकी पत्नी जयमंती मिश्रा उम्र 93 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 7 चक्रभाटी थाना मऊगंज का अज्ञात व्यक्ति द्वारा वायर से गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 3 वर्ष बाद पड़ोसी नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं पूरी घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या जानकारी दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मऊगंज पुलिस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी हम लोगों ने एक विशेष ड्राइव शुरू कर रखी थी। कुछ ऐसे केसेस कई बार रह जाते हैं जो अनसुलझे रहते हैं, तो उनमें जो हमारे एडिशनल एसपी और डीएसपी हैं, ये दोनों लोग बैठकर पुराने केसेस में एक बार स्पॉट विजिट कर रहे हैं, एक बार उसका पुनः परीक्षण कर रहे हैं, जिससे कोई बिखरे तंतु उससे हम जोड़ सकें और उन लिंक को स्थापित करके अपराध ट्रेस कर सकें। इसी क्रम में आज दूसरा घटनाक्रम हम लोगों ने ट्रेस किया है। 2019 में एक वृद्ध दंपत्ति की हत्या करके फरार हुए आरोपी को इस टीम ने पकड़ा है। आरोपी का नाम नूर मोहम्मद है। इसने 95 वर्षीय वृद्ध और उनकी धर्मपत्नी की हत्या 2019 में की थी। तब से फरार था। बीच में पिछले 2-3 महीनों में हम लोगों ने लगातार इसका नया पता, एड्रेस और नया इसके ठिकाने पर प्रयास किए, तो अंत में टीम को सफलता मिली और इससे पूछताछ की गई, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रक्रिया में है और इसमें अभी और कोई व्यक्ति शामिल था या अन्य कोई पॉइंट आता है तो वो लोग हम आपको शेयर करेंगे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में यहाँ तक जो पता पड़ा है कि नूर मोहम्मद ने अपने एक ज़मीनी विवाद के चलते इनकी हत्या की थी और चूँकि वो बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर चुका था और पत्नी उसकी जख्मी साक्षी थी, तो अपना साक्ष्य मिटाने, अपना अपराध छुपाने के लिए उसने उनकी पत्नी की भी हत्या की है, ऐसा अभी हमको आरोपी ने बताया है। तो हम लोग अभी इसको और क्रॉस चेक कर रहे हैं और तस्दीक कर रहे हैं। कोई नया इसमें पॉइंट जब भी आएगा आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी तक तो ये अचीवमेंट है और हमने इस अपराध जो पेंडिंग था इसको लेके 10,000 का रिवार्ड भी डिक्लेयर कर रखा था, तो ये पूरी टीम इस रिवार्ड की हकदार रहेगी। और जो हमारे गस्तर ऑफिसर हैं डीएसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब, इनको हम अपने एडी सर से रिक्वेस्ट करेंगे प्रसन्नता पत्र के लिए। तो ये आपके सामने पूरा मैटर अभी इतना क्लियर है। अभी तो उससे पायल वगैरह मिली हैं जो उस समय ले गया था, उसका कहना है कि 1200-1300 रुपये उनके पास थे और उनके बच्चों ने बताया कि इतना ही केवल राशि, बड़ी राशि को नहीं गई थी, तो राशि तो उसके पास अब खर्च हो गई है, परंतु जो पाजेब वगैरह उसके पास थी वो उसने रखी हुई थी, जिस भी कारण से उसको लगा हो कि बेचने पे कहीं पकड़ा ना जाऊं या जो भी उसको लगा हो, तो वो जब्त भी कर लेंगे। कौन सर? एक रीवा में सर एक गुप्ता के यहाँ उसने गहन रखा हुआ। अच्छा, गहन रख के पैसे ले रखे थे? जी सर। ओके, 5000 रुपये। तो फिर स्टेटमेंट चेंज किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं आरोपी एक बार में पूरी बात बताता नहीं है, तो इस प्रक्रिया में और पूछताछ की जाएगी और जो भी फैक्ट आएंगे आपको हम शेयर करेंगे। ठीक है, था तो हमको लगा कि हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं या हमारा सहयोग पता जमीन में हमको नहीं लाभ मिल पाएगा, तो इसलिए हम इनको हत्या कर दें तो शायद फ़ायदा मिल जाए। अब ये स्टोरी उसने बताई है, अब इसको भी तस्दीक करते हैं कि पड़ोस में ज़मीन है भी कि नहीं, कभी सीमांकन कराया है क्या, कभी किसी केस में मतलब कोर्ट में केस चला है क्या, देखते हैं उसको। कहाँ से पकड़ा गया ये आरोपी, कहाँ से पकड़ा गया? इसको पकड़ा मऊगंज से ही है। दोबारा जब इसका सूचना मिल रही थी कि बीच में कभी आता है, कुछ दिनों पूर्व भी इसकी सूचना मिली थी, तब हमारी टीमों ने इसको पूरा वॉच किया था जिससे कि ये कोई मिस्टेक ना हो, और पिछली बार से लगातार इसको वॉच करके हम लोग देख रहे थे। इस बार जब ये आया तो उसको राउंड अप करके पूछताछ शुरू की गई। अभी तो उसने अपनी स्टोरी बताई है, वो स्टोरी हमने पूरी नोट कर ली है। अब उस स्टोरी को तस्दीक कराने हमारी टीम एक बार जाएगी कि जहाँ ये बता रहा है वहाँ था भी कि नहीं। अभी प्रथम चरण में तो कभी कोई आरोपी एक बार बताता ही नहीं है कि हमने ऐसा किया था और क्यों किया था। जब उसको लगातार बैठ के इंटरोगेशन किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और उसमें तथ्य ऐसे आते हैं जो उसके सामने बताए जाते हैं कि आपने ये गलत बताया है, तब वो धीरे धीरे अपनी बात पूरी आ पाती है निकल के। ठीक, थैंक यू।